अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक रोड हादसा हुआ जिसमें एक की मौत वाक़ई हो गई, देखते हैं इस रिपोर्ट। नाज़रीन, फिर एक बार आज एराकुंडे इलाके में एक रोड एक्सीडेंट में एक नौजवान की मौत वाक़े हो गई, जिसका नाम मोहम्मद अनास अंसारी बताया जा रहा है। हालांकि ये हेलमेट पहनकर था, बावजूद इसके इसकी मौत वाक़े हो गई। जहां पुलिस की जानिब से भारी चालानत किए जाते हैं, हेलमेट ना पहनने पर तस्वीरें खींचे जाती हैं, फिर ये नौजवान की मौत कैसे हो गई? मौत को बहाना चाहिए, अगर किसी की मौत आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार ये हादसों के ये मौतों के जीएचएमसी हैं और मुकामी एमएलए लीडर्स हैं, जिनकी जिम्मे सड़के बनाना, अवाम को सहूलत देना है। लेकिन खुलेआम करप्शन का दौर चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब का काम करता है और सबको वो रुपये तकसीम करता है और वहाँ से चले जाता है, और कुछ दिन बाद फिर वो सड़क की हालत वैसे ही हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। यही वजह है कि ऐसे हादसों में भी इजाफे हो रहे हैं और ऐसे मौतें भी हो रहे हैं। बहरहाल, जब तक अवाम सवाल नहीं करेगी तब तक ऐसे लोगों का जुल्म जारी रहेगा। जरूरी है कि आपके गली के लीडर से सवाल करें, आपके एमएलए से सवाल करें, आपके मिनिस्टर से सवाल करें, आपके सीएम से सवाल करें, जीएचएमसी के अधिकारियों से सवाल करें। सिर्फ हम सवाल करें, जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है, तभी जाकर हमारे ऐसे मसले हल होंगे। वरना याद रखें, हमारी खामोशी को ये लोग हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, और यही वजह है कि खुलेआम करप्शन हो रहा है और ऐसे हादसों में इजाफे हो रहे हैं। बहरहाल, यही के कांग्रेस के लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने भी क्राइम टुडे से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताई। एम ए हमीद और तकी उर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज एर्राकुंटा निमरा होटल के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। जो बाइक पे नौजवान जा रहे थे, एक बाइक उधर से आने से एक बच्चे का तवाजुन खोकर गिर गया है। गिरकर सर पर मार लगने से उसकी मौके वारदात पर जान चले गई। हेलमेट हालांकि था बच्चे के, मगर गाड़ी पर लगा हुआ था, हेलमेट सर पर नहीं था। ये जो सामने जो दिख रहा आपको, यहीं पर डेड हुई है। मौके वारदात पर बालापुर सीआई हमारे भास्कर साहब, एसआई विनय और हमारे नागराज साहब और उनकी टीम आकर पंचनामा करी और यहाँ पर बॉडी को उस्मान दवाखाना पहुँचा दिए। और जो है यहाँ पर पहले मीडिया जो आने वाले किराम टोटी के हमारे तकी रहमान साहब है, मैं उनको कॉल करा था, उन्हें स्पॉट पे आए हुए हैं। और हमारे रहमत अली साहब जो है मुसलसिल हम जब भी फ़ोन करते हैं और आवाम के दरबार में रहते हैं और तकी रहमान साहब को बुलाते हैं। हम किराम टोटी के जितने भी स्टाफ हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो बुलाते मौके वारदात पर पहुँचते हैं। और मैं यहाँ के एमएलए और यहाँ के जिम्मेदार को यही बोल रहे हैं कि रोड छोटी होने से आधे से हो रहे, रोड बड़ी होना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है। और आवाम को भी ये बोलना चाह रहा हूँ, भाई हेलमेट लगाइए आप, क्योंकि मुसलसिल बालापुर पुलिस की तरफ से एवनेस किया जा रहा है। हेलमेट तो रख रहे हैं आप, लगा रहे नहीं, उससे आपकी जान चली जा रही है, जान कीमती है बहुत। सारी आवाम से, सारे नौजवान से ये बोलता हूँ, गाड़ियों को तेज मत चलाइए आप, थोड़ी एहतियाती करिए आप। और ये रोड जो है बहुत छोटी है, अभी देखिए बच्चा तालाब कट्टे का है, उनकी उम्र 21 साल है। और हमारे को अफसोस है जो ये हादसा हुआ है। मुसलसिल रोडों पे इतने हादसे हो रहे हैं, जीएसएमसी की तरफ से, बलजा की तरफ से रोडों का कोई हाल नहीं है, ना तो मास्टर प्लानिंग हो रहा, ना कुछ हो रहा है। देखिए आप कितनी ट्रैफिक जा रही है यहाँ पे। मैं बालापुर सीआई का शुक्रिया अदा करता हूँ जो स्पॉट पे आए, आकर पंचनामा करे और बॉडी को भेजे। हम बच्चे के गम के साथ है, इंशाल्लाह अफसोस है हमारे को। और फिर एक बार मैं किराम टुडे के स्टाफ तखीर सेल वर्ल्ड। अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरी दस्तियाब है। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।